सुप्रभात आप सभी को। स्पीक इंडिया प्रतियोगिता के तहत जो हमें शीर्षक प्रदान किया गया है, राजनीति की सौ परीक्षा, उस पर प्रस्तुत है मेरे विचार। राजनीति, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राज का अर्थ है शासन करना और नीति का अर्थ है सही कार्य को सही समय पर करने की कला। राजनीति, राजनीति की बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो जो राजनीति प्राचीन काल में थी, जो राजनीति का उदाहरण प्राचीन काल में लिया जाता था, जैसे भगवान राम की जो राजनीति थी, उन्होंने एक प्रजा के एक व्यक्ति के असंतुष्ट होने पर अपनी अर्धांगिनी का परित्याग कर दिया। परंतु आज का दृश्य यह है कि सरकारें और शासनकर्ता सिर्फ और सिर्फ सरकार में रहने के लिए साम दाम दंड भेद की किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। जो राजनीति प्राचीन काल में थी और जो राजनीति वर्तमान समय में है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। जो राजनीति के जो उदाहरण, जो राजनीति के जो कर्तव्य, जो मानदंड जो हुआ करते थे, जैसे कि देश हित, जन कल्याण, देश का विकास, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, किसानों के हित में कार्य करना, परंतु आज वो मूल्य गिरते जा रहे हैं और आज राजनीति में मुख्य उद्देश्य रह गया है सिर्फ और सिर्फ शासन करना, सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना। और आज भारत की राजनीति वंशवाद में जकड़ती जा रही है, एक ही वंश पे केंद्रित होती जा रही है। एक नहीं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और ऐसी बात नहीं है कि भारत में कभी अच्छी राजनीति करने वाले लोग नहीं थे, परंतु उन लोगों की संख्या नगण्य के बराबर है। इससे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक बार रेल दुर्घटना होने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। परंतु आज सरकारें गिराने और चलाने के लिए आए दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। ये मेरे देश की राजनीति का चरण नहीं तो और क्या है? और बहुत पुरानी बात नहीं है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मंत्री बनाते हुए साथ ही साथ विपक्ष के भी 11 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। ये एक राजनीति का बेहतरीन उदाहरण था। परंतु आज का दृश्य यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को टिकने नहीं देना चाहता, कहीं से भी वह नहीं चाहता कि विपक्ष उस पर सवाल उठाए। और मेरे नज़रिए से सरकार वही अच्छी होती है और राजनीति वही लोग अच्छी कर पाते हैं जो तर्क और जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी पर खड़े उतरे। परंतु वर्तमान समय की राजनीति और राजनेताओं में ये तथ्य बिल्कुल नगण्य नज़र आता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजनीति थी प्राचीन काल में और जो राजनीति है वर्तमान समय में, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। ऐसी बात नहीं है, वर्तमान समय भी बहुत अच्छे नेता थे, जैसे मनोहर पर्रिकर जी, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमेशा स्कूटर से चलते थे। ये एक राजनीति का बेहतरीन उदाहरण था, जिन्होंने कभी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आजकल के राजनेता सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के बाद, शासन में पद पाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधाओं का उपयोग करना जानते हैं, जिसके कारण हमारे देश का निरंतर क्षरण होता चला जा रहा है और हम विकसित तो क्या, विकासशील की जो कसौटी है उससे भी नीचे उतरते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर देश का विकास चाहिए और हम चाहें कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें राजनीति के स्तर को सुधारना होगा। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, चुनाव भर रहते हैं ये जनता के साथ में, चुनाव भर रहते हैं ये जनता के साथ में, सदन में पहुँचते ही ये बातें करते हैं बड़े ताव में, और मातम से आज तक कई घरों में चूल्हे नहीं जले, लेकिन ये राजधानी में बैठ के 56 भोग खाते हैं बड़े चाव से। धन्यवाद।